हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 10 से। इंडिया जो है एग्रीकल्चरली कहा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। एग्रीकल्चर वाइज यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसलिए ज्यादातर जो फूड प्रोड्यूस होता है उसको हम कंज्यूम करते हैं। जो अनाज पैदा होता है उसके साथ साथ कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स का भी उत्पादन किया जाता है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आता है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी, कॉफी या स्पाइसेस एंड मसाले, इनका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी है? एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत पुरानी चली आ रही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में, इन सालों में जो खेतीबाड़ी के तरीके हैं उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। डिपेंड करता है कि किस तरीके के वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट है, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है वहाँ पर और किस तरह की सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर करी जाती है। तो जो फार्मिंग है वो वेरी करती है सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हुई, जिसमें जो खेती बाड़ी हो रही है उससे जो उत्पादन हो रहा है वो इतना है कि अपने घर का काम चल जाए, और एक होती है कि इतना उत्पादन हो रहा है कि अपने घर का भी आपका काम चल रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो है वो आप मार्केट में बेच पा रहे हैं या पूरी तरह से आप मार्केट के लिए ही उगा रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहां पर अलग अलग तरीके के जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इस तरह की जो फार्मिंग है इसका प्रैक्टिस करना आज भी जारी है इंडिया के कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में, यानी कुछ इलाकों में ही। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये बहुत ही छोटे पैचेस पे किया जाता है लैंड के, उसके लिए बेसिक टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जो बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, होई, डाओ या खोदने वाले जो स्टिक्स हैं उनको। लेबर इसमें आइदर फैमिली लेबर होती है या कम्युनिटी लेबर होती है। इस तरह की फार्मिंग पूरी तरह निर्भर होती है मानसून पे, प्राकृतिक तौर पे सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है उस पर, और भी बहुत जो कहना चाहिए एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उस फसल को उगाने की उसकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं कि क्या वो सूट कर रहा है उनको, तभी जो है वो उसकी फसल को उगा सकते हैं। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, एक जमीन के टुकड़े को क्लियर करते हैं, फिर उसमें सीरियल्स या और जो फूड क्रॉप्स हैं उनको उगाते हैं ताकि अपनी फैमिली का गुजारा कर सकें। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो फार्मर्स जो है शिफ्ट कर जाते हैं और एक फ्रेश पैच जो है लैंड का उसको कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर देते हैं। इस तरह की जो शिफ्टिंग है उससे क्या होता है, नेचर जो है दोबारा से फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको वापस बना देता है नेचुरल प्रोसेस की मदद से। लैंड प्रोडक्टिविटी इस टाइप के एग्रीकल्चर में वो लो है क्योंकि फार्मर जो है ना तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ना ही मॉडर्न मेथड्स का या कोई इनपुट्स का। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, पामलो मणिपुर के अंदर, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की है वहां पर, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। झूमिंग जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है उसको मिल्पा भी कहते हैं मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, कॉनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसोली सेंट्रल अफ्रीका में, लाडांग इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। इंडिया में ये जो प्रिमिटिव फॉर्म है कल्टीवेशन की इसको बेवार या दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, कोडू या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पामा डाबी और कोमन कहते हैं या ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वैलरी या वॉलरे जो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, खिल हिमालयन बेल्ट में, कुरुआ झारखंड, और झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहा जाता है। रिनिजा जो है वो अपने फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में रहती है बाहर की तरफ दिपहू आसाम के अंदर। वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इंजॉय करती है जब उनको देखती है कि वो कैसे क्लियर कर रहे हैं, स्लैशिंग बर्निंग हो रही है जो लैंड का पैच है उसकी, ताकि वहां पर खेती करी जा सके। वो उनकी मदद करती है कभी कभार फील्ड्स की सिंचाई करने में पानी से जो क्या कहते हैं पूरे बेम्बू कैनाल से पास के स्प्रिंग से आ रहा है। उसको आसपास का सराउंडिंग्स बहुत अच्छा लगता है और जितनी देर हो सकता है वो वहां रुकना चाहती है, पर इस छोटी सी बच्ची को कोई आइडिया नहीं है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कितनी ज्यादा कम होती जा रही है
और उसकी फैमिली की जो सर्च है वो अब फिर से शुरू हो जाएगी एक नए पैच के लिए लैंड के अगले सीजन में। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग जो है प्रैक्टिस करी जाती है उन एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लैंड पे। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डोजेज यूज करी जाती हैं बायोकेमिकल इनपुट्स की और इरीगेशन की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हासिल किया जा सके। कहने को ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होती है कि विरासत में ज़मीन मिल जाती है, उससे क्या होता है जो बंटवारा होता है लैंड का, उससे जिनके हाथ में जो भी ज़मीन आती है वो उनके लिए आर्थिक तौर पर उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँच पाती है। फार्मर्स क्या करते हैं, फिर जितनी ज़मीन उनके हाथ में आती है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्योंकि उनके पास दूसरा सोर्स तो होता नहीं है लाइवलीहुड का, तो वो लोग उतने ही ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। फिर एक कमर्शियल फार्मिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की फार्मिंग की है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई डोजेज यूज करी जाती हैं मॉडर्न इनपुट्स की, यानी कि जो HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज, उनका इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को हासिल किया जा सके। जो डिग्री है कमर्शलाइजेशन की एग्रीकल्चर की वो भी एक रीजन से दूसरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। अब जैसे राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब का, लेकिन उड़ीसा के अंदर वो सब्सिस्टेंस क्रॉप माना जाता है। प्लांटेशन जो है वो एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है, इस तरह की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप जो है वो बहुत बड़े एरिया पे उगाया जाता है। प्लांटेशन का जो इंटरफेस है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों से ही है। प्लांटेशन बहुत बड़ा हिस्सा लैंड का कवर करता है जिसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स और साथ ही साथ माइग्रेंट लेबर का इस्तेमाल होता है। जितनी भी प्रोड्यूस है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करी जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी असम और नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटक में, ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो इन स्टेट्स में उगाए जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो मेनली है वो मार्केट के लिए होता है। एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है प्लांटेशन एरियाज को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और मार्केट को, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है प्लांटेशंस के डेवलपमेंट में। अब है क्रॉपिंग पैटर्न। आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है या प्लुरैलिटी है कल्चर की इंडिया के अंदर, मतलब बहुतायत है कल्चर्स के मामले में कहें या फिजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। ये हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है, या जिस तरह से फसल का एक तरह से तरीका है उसमें देखने को हमारी कंट्री में मिलता है। अलग अलग तरीके के फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ये सब जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमारी कंट्री के अंदर उगाए जाते हैं। तो इंडिया के तीन क्रॉपिंग सीजन हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद। रबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर में बोई जाती हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और इनकी जो कटाई होती है वो समर में होती है अप्रैल से जून तक। कुछ जो महत्वपूर्ण रबी क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। कहने को ये जो क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं बहुत बड़े हिस्से में इंडिया के, लेकिन जो स्टेट्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं वीट और बाकी रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। प्रेसिपिटेशन जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी विंटर के महीनों में, क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट क्लाइमेट साइक्लोन्स होते हैं जिनके हेल्प से ये जो फसल है ये अच्छे से पकती है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में या कुछ हिस्सों में राजस्थान के, वो सफल इसीलिए हो पाया और इसी के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है जो भी रबी क्रॉप्स के बारे में हमने जिक्र किया है उनकी ग्रोथ के लिए। खरीफ क्रॉप तब बोई जाती है जब मानसून आ रहा होता है अलग अलग कंट्री के हिस्सों में, और इनका जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। अब जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इस सीजन के वो हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। कुछ इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चावल की जहाँ खेती होती है वो वाले इलाके हैं, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, खासतौर से जो कोंकण कोस्ट है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार। पैडी जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गया है पंजाब और हरियाणा का भी। अब जो स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तीन क्रॉप्स जो पैडी की हैं वहाँ एक साल में बोई जाती हैं, वो हैं ओस, अमन और बोरो। राबी और खरीफ सीजन के बीच में एक बहुत छोटा सा सीजन होता है समर मंथ्स का, जिसको बोलते हैं जैद सीजन। कुछ क्रॉप्स जो जैद के दौरान प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स या जो चारे वाले क्रॉप्स होते हैं उनको। शुगर केन जो है वो पूरे साल जो ले लेता है उगने के लिए। अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? एक वैरायटी है फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की, जो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में उगती है। डिपेंड करता है कि कैसा वेरिएशन है सॉइल का, क्लाइमेट का या जो कल्टीवेशन के तरीके हैं उनका। मेजर क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं इंडिया के अंदर वो है राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट और भी बहुत सारे। सबसे पहले राइस। राइस जो है स्टेपल फूड माना गया है मेजॉरिटी में पीपल की इंडिया के अंदर। हमारी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की पूरी दुनिया के अंदर चाइना के बाद। ये वो खरीफ क्रॉप है जिसके लिए लगभग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नमी चाहिए, जिसमें सालाना रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। जिन इलाकों में कम रेनफॉल होती है वहाँ पर सिंचाई की मदद से इसको उगाया जाता है। राइस जो है ज़्यादातर ग्रो करी जाती है जो प्लेन्स हैं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कोस्टल एरियाज या डेल्टिक रीजन्स में। जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही डेंस नेटवर्क का, कैनाल इरिगेशन का, ट्यूबवेल्स का, उससे जो राइस है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है उन इलाकों में जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, वहाँ भी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्से राजस्थान के। फिर है वीट। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का कंट्री के अंदर। इस रबी क्रॉप के लिए बहुत ही कूल ठंडा सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए और बहुत ही खुली धूप चाहिए जब ये फसल पकती है। 50 से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल जो है इवनली चाहिए डिस्ट्रीब्यूट हो जितना भी ग्रोइंग एरिया है वहाँ पर या ग्रोइंग सीजन में। दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स जो कंट्री के अंदर हैं वो है गंगा सतलुज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन का है। जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। मिलेट्स। मिलेट्स में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। कहने को ये बहुत ही कोर्स ग्रेन्स होते हैं, रफ ग्रेन्स होते हैं, पर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए रागी जो है बहुत ज़्यादा रिच है आयरन, कैल्शियम या और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रफेज है उसके लिए। ज्वार थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है अगर एरिया और प्रोडक्शन के मामले में कहें। ये रेन फेड क्रॉप है, ज़्यादातर मॉइस्ट इलाकों में उगता है जहाँ पर इरिगेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा भी जो है सैंडी सॉइल्स पे या जो शैलो ब्लैक सॉइल होती है उस पर उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। रागी जो है ड्राई रीजन्स का क्रॉप है और बहुत ही अच्छे से उगता है जो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी या जो शैलो ब्लैक सॉइल्स होती हैं उनके ऊपर। जो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर है मेज। ये वो क्रॉप है जिसका इस्तेमाल फूड और फॉडर दोनों के लिए किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसके टेम्परेचर जो है लगभग 21 से 27 डिग्री का चाहिए होता है और पुरानी जो एल्यूवियल सॉइल होती है उस पर ये बहुत अच्छे से उगता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, वहाँ जो मेज है वो उगाया जाता है राबी सीजन में भी। मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करके जैसे HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन है, इनका काफ़ी योगदान रहा है मेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब है पल्सेस। इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरी दुनिया के अंदर। जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट में वो है पल्सेस। तो जो मेजर पल्सेस इंडिया में उगाए जाते हैं वो है तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी पल्सेस जो है वो खरीफ सीजन में उगाई जाती है या कौन सी ऐसी है जो राबी सीजन के अंदर उगाई जाती है? तो
पल्सेस को क्या है, बहुत ही कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती है। क्योंकि एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, इसलिए सारे के सारे क्रॉप्स सिर्फ एरर को छोड़ दें वो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर पाते हैं अपनी जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके एयर से। ये ज्यादातर रोटेशन में उगाए जाते हैं और क्रॉप्स के। जो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं वो हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अब हमने अभी तक बात करी थी फूड क्रॉप्स की और ग्रेन्स के लिए। अब हम कुछ और फूड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं जो ग्रेन्स नहीं है। जैसे है पहला शुगर केन। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छे से उगता है अगर टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एनुअल रेनफॉल जो है वो लगभग 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन की जरूरत वहां होती है जहां कम बारिश होती है। इसको उगाया जा सकता है अलग अलग तरीके की सॉइल्स पे। मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राजील के बाद। मेन सोर्स जो शुगर का है गुड़ का है, खांडसारी का है ये और मोलेसेस का। तो जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑयल सीड। ये करते हैं अगले वीडियो।